फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या विश्वा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, मैं अपने गांव वाले ससुराल आई थी क्योंकि यहाँ पे शादी थी। तो शादी, विदाई, सब कुछ, सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से निपट गया। तो अब बच्चे घर, कल विदाई भी हो गई तो बच्चे घर पर थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो हम लोग उन्हें घुमाने लेके आए। तो वहाँ जहाँ मेरी ससुराल है वहीं पास में एक मार्केट है, तो वहाँ पर एक छोटा सा मेला लगता है। ये हर साल लगता है बट मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी आई हूँ। इसको नुमाइश प्रदर्शनी भी कहते हैं, डिज्नीलैंड करके भी इसका कुछ नाम था। तो वही हम थोड़ा सा बच्चों को घुमाने ले आए हैं। झूले वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह हैं। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो चलिए अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। घूमने आई हूँ, मेला मेला घूमने आई। शिवी शिवी पड़ेगी नहीं, उधर रास्ते में गाड़ी से वो कर रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो इधर चल चल। चिकोड़ी खुश हो? चल चूड़ी कंगन लेना है तो ले लो। फ्रेंड्स, इस मेले के अंदर बहुत ही सारी दुकानें थी और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें थी। एक क्रॉकरी की शॉप थी, बहुत ही तरह तरह के क्रॉकरीज थे यहाँ पे, अच्छे अच्छे वैरायटी के कप थे, और भी बहुत सारी शॉप थी। बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा सा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। जबकि मेरा मायका भी यही है, मेरी ससुराल भी यही है, थोड़ी दूरी पर, आधे घंटे की दूरी पर, बट मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। चूड़ियाँ, यहाँ देखो आके इस वाली शॉप पे। इस पूरे मेले में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, ये वाली शॉप लगी, जहाँ पे डेकोरेटिव आइटम थे, एंटिक सामान थे सारे, जो घर को डेकोरेट करने के लिए होते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था, एक से एक वॉल की वॉच थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये दुकान मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, इसका सामान बहुत अच्छा। झूला भी है छोटा वाला, ये देखो वॉच कितनी सुंदर है, सारी चीजें अच्छी अच्छी लग रही है यार। तो अब बदल रहा है देश, बदल रहा है हमारा गांव, बदल रहा है चाची, यही तो लाना, हमारा गांव बदल रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है यार। अरे रख दो तुम लोग यार, हाथ मत लगाना। भाई बहुत सुंदर, इधर भी है, इधर भी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है। पाइप वाला सुंदर भी बहुत लगता है, आवाज ही इसकी जरूरी नहीं होता कि आवाज ही। उधर खड़े हो जाओ, अच्छा नहीं लगता ना। ये देखो अशोक चक्र, ये पेन वगैरह रख सकते हैं। हाँ, ये पेन रखा ही होल्डर ही है। शीशा चीजें में मुड़न फोटो खींच लो। वॉच ही सुंदर सुंदर है ना, वॉच वॉच देख, वॉच बड़े वाले भी है, छोटे वाले भी है, झूले लड्डू गोपाल का। चलो ये रुक जाओ अपनी।
यहाँ देखो, यहाँ भी अच्छी सी चीज है, गुड्डा गुड़िया छोटे बच्चों के खिलौने। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, शूटर वाला, शूटिंग पिस्टल। वो उसको देख के खुश हो रही है, झूले को क्या इशू करें। लाइन लगी, मिस हो गई। और लगा, चला लो चला लो। अरे क्या लगता है इसमें? नहीं करता लगता है, मिस करो। करो दो बार, सब लोग कर लो। दूसरी गलती कर सकते हैं। बंदूक उठा के एक बार तुम पकड़ो इसको, एक बार पकड़ा दो इसकी बिले बना लूं। ये चीकू का एक बार, अरे यार चीकू का नहीं लिया बनाया मैंने यार। एक बार चीकू को दे दो, चीकू पकड़ना बेटा, पकड़ना, तुम्हारी फोटो बनाऊं। बस ऐसे छोटो के लिए दे दो, मैंने कर तो लिया। तुम भी कर लो, करने नहीं लेना फोटो। ना 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 ना, हो ही निशाना ला दोनों लोग एक एक। देखो इधर दीदी को उल्टा पकड़ा छोटू, तुमने बहन की तरह पकड़ो और इधर फेस करो, इधर देखो छोटू। यार तुमने फिर भी शुरू में बात कर दो। अरे क्लास मार रहा है ना, अरे पैसा गया, बस करो। हां ऐसे नहीं हो गए, 60 रुपए हो गए होते, भागो। मैं 80 ये सोच रहा हूं, ऐसे वो भी करेगा 20 में तीन बोले। चलो अब 20 रुपए बचे, मैं भी कर दूं 100 रुपए। ये रिंग वाला है, रिंग वाला है, रिंग वाला इधर है। गाइस बिस्कुट आ गया। ट्रेन झूल ले, ट्रेन नहीं, कोलंबस, कोलंबस नहीं, जॉइंट व्हील। अरे पागल, जॉइंट व्हील और कोलंबस तुम लोग नहीं कर सकते। नहीं बैठती झूल, डर लगेगी।
भाई पूरा शरीर की हड्डी हिल जाती है और वो आदमी कैसे दौड़ रहा है इससे। वो अब दो जने बैठे हैं जो बीच में, लड़का अपनी जान पे वो लगा रहा है। हाँ अरे बाप रे। अरे भाई मैं और दीदी एक बार बैठे थे। दीदी? हाँ मैं और दीदी, आपको याद है? अरे पूरा लगे, पूरी हड्डी हड्डी टूट जाएगी। वो लड़का उससे चल रहा है पैदल पैदल, उसकी आदत पड़ी है मुझे लगता है, सीख रखा है। उसको देखो, उस लड़के को देखो, बड़ा है बैलेंस बनाते हैं। ऊपर कैसे झटका देगी देखो। मैं जैसे आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यहाँ गांव में मेरा ससुराल भी है और ससुराल से आधे घंटे की दूरी पे मेरा मायका भी है। तो ये मेला मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पर ही लगता है, बट मेरे लिए मेला पूरी तरीके से सरप्राइज़ था क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। मैं आसपास सुनती तो थी कि हाँ यहाँ नुमाइश लगती है, वहाँ मेला लगता है, पर ये नहीं जानती थी कि यहाँ भी लगता है। लेकिन देख के बहुत ही अच्छा लगा कि इतना अच्छा मेला यहाँ लगता है मेरे घर के इतने पास। बहुत ही खुशी मिली और इन्जॉय तो हम सब ने बहुत किया, खूब बहुत बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। एक अलग ही खुशी मिल रही थी कि ये मेरे घर के पास भी ऐसा कुछ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए।